ओम शांति। आज है 2 सितंबर 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। यह महफिल किसकी है? बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं तब बाप आते हैं। फल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, वह भी आ जाएंगी। अब यह तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वह सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सद्गुरु है। यह एक ही महिमा है, यह पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव है, वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे? तुम कहेंगे कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहां कहां राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहाँ ऐसे नहीं हैं। वहाँ है सारे विश्व के मालिक, और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊँचे ते ऊँचा शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे, यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहाँ ऐसे नहीं हैं। कहाँ ऐसे नहीं हैं? सतयुग में। वहाँ हैं सारे विश्व के मालिक, और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊँचे ते ऊँचा शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझा कर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। वह बेहद का सद्गुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह सब है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। गीत में भी सुना चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया। गीत में भी सुना और चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया। तीर्थ कोई कहां चारों तरफ है ना। चारों तरफ के चक्र लगाए फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल न सके। भगवान आते ही हैं इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग का सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं।
तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिव वंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में, ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमको और किसका सुनना नहीं है। बाप का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे। वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए, धक्के खाते ही आए, है ना। बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे, वह तुम्हारी सुनेंगे। आइए दोबारा से इन लाइन्स को सुने, क्योंकि बाबा बहुत गुह्य बातें बता रहे हैं आज की मुरली में। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में, ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमको और किसका सुनना नहीं है। बाप का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे। वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए, धक्के खाते ही आए हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे, वह तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं, न कि सुनने वाले। समझाना है, प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ज़रूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा, बाबा पूछ रहे। बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक न बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। पोत्रे और पोत्रियां दोनों को हक मिलना है। बाप बिगड़ फिर दादा कहाँ से आएगा। पहले पहले है बाप का परिचय। वह गीता का भगवान, बेहद का सच्चा बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। यह है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इनको कुंभी पाक नरक कहा जाता है। यह सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है विषय सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती हैं। इस समय जो आसुरी संप्रदाय हैं वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुखी दुख है। इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है। दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे। कमज़ोर जो होते हैं वह जास्ती मरते हैं। यहाँ भी जो कमज़ोर हैं वह झट मर पड़ते हैं। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई। काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग जाती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं, फिर आवाज़ करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। यह है बहुत बड़ा दुश्मन। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं। काम विकार से ही पतित बनते हैं।
काम विकार से ही पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए, बाप ही आकर कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी यह पुराना शरीर है, हरेक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक न मिले दूसरे से ड्रामा है ना, सब दिन हो उतना एक समान, 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे, 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते, यह फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है, यह अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता जाता है, फिर रिपीट होता है, कहाँ सत्ययुग कहाँ कलयुग, वहाँ क्या होता है यहाँ क्या होता है, यह तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों का सीधी सी बात है, बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुम क्या देते हो। बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था, तुम बदले में कीचड़ पट्टी देते हो, कौड़ी देते हो, तुम कौड़ियाँ देते हो, बाप तुम्हें ज्ञान रत्न देते हैं। बाप को कहा भी जाता है रत्नागर सौदागर, बाप का भी पाठ है, आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है, यह ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है, अविनाशी, फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे, यह ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है, वंडर है ना। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। तो पहले बाप का परिचय देना है, वह रूप भी है बसंत भी है, निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए, जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े, जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े। बाबा ने कहा था, यह गौमुख भी कहा जाता है, विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके, विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके, ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक निराकार को, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो, सागर तो एक है ना, ड्रामा ही बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। बाप क्या देते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सत्ययुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनते हैं। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों में है, तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, बाप सबका एक है, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली, वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं, वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं, हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार यह अमर लोक की यात्रा करते हैं, फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है, अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कोई यात्रा होती नहीं, वहाँ भक्ति ही नहीं, यह है ब्रह्मा की रात जिसमें भक्ति के धक्के हैं, चारों तरफ फेरे लगाए परंतु हरदम दूर रहे, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला, तुम पुकारते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो, वह तुम्हें पावन कैसे बनाएगी, अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो, कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने, कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने, पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक है, बाकी है भक्ति के धक्के, बाकी हैं भक्ति के धक्के, तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे, यह तो बड़े कायदे से पूछते हैं, जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को बाबा से वर्षा मिला था। तुम यह भी पूछ सकते हो
कि यह जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों की प्रजा भी होगी। सत्युग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। विनाश भी सामने खड़ा है, कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, बाप ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुखधाम था ना, अब तो दुखधाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले, राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है, बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है। हिम्मत रखनी है, हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं, हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी दे देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े, है ना। शरण लेने के बाद पति व बच्चे आदि याद ना आए। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं हैं। यहाँ भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। यहाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पककर तैयार होते हैं। बाप कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे। कल्प पहले मुआफिक कोई कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं, जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं, रूठ पड़ेंगे, गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं। फिर ऊंच तकदीर बनती ही नहीं है, दे अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा। दे अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं, श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ऐसे थोड़े ही कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे। दे अभिमान बहुत है तो यह पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती है। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, किसको वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। बच्चा पैदा ना हो तो दूसरे का लेना पड़े, वहाँ यह सब बातें होती नहीं। वहाँ तो एक बच्चा ज़रूर होगा, यह है ही दुख धाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाप आकर वर्षा देते हैं। हमें दुख का श्राप किससे मिलता है? रावण से। यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज़ मीठा किया जाता है। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे, यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है तो उनका स्वाद आता है। आत्मा अभिमानी बनना पड़ता है ना, आत्मा अभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। दे अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है, वरदान है। रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है, अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सबको शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन, सर्व को शांति की लाइट देनी है, यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो।
यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित बनो, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित बनो। ओम शांति।